गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पहली बात ना सुन लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना तो कम से कम आपका 30-40% तो हो ही जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है ना, ओके वही सर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, कुछ टाइम रुकते हैं, बाकी बच्चों को आने देते हैं। सर हाँ जी बताओ। सर वो एक डाउट आइसोमेरिज्म बिल्कुल पूछ सकते हो, वाले में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाले में बिल्कुल पूछ सकते हो। सर, मॉड्यूल में से है हाँ मैसेज करके पूछ लो कौन से पेज से है, क्या है बता दूंगा, सर। मैंने भी आपको एक भेजा था, वो एक रूल में था प्रॉब्लम। बता दूंगा। गुड इवनिंग सर। आने देते हैं सबको, ठीक है, कुछ टाइम और रुकते हैं फिर स्टार्ट किया जाएगा। राधे 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 सर। हेलो राधे। हेलो अंशिका। सर, गुड इवनिंग। अंशिका आप वही क्या बोलते हैं, काफी टाइम बाद आई हो क्या? अच्छा नहीं सर, वो एक्चुअली हमारे यहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी इश्यू होता था, तो बीच बीच में ना क्लास लेफ्ट हो जाती थी बार बार ना। जी सर, दूसरे और भी कोई है जो टाइम काफी से लेफ्ट टाइम बाद करते थे। आया है? और भी कोई है जो काफी टाइम बाद आया है? रुकते हैं कुछ टाइम और, ठीक है फिर स्टार्ट किया जाएगा। कुछ टाइम और रुकते हैं फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। ये जो आज मैं नोट्स पढ़ाऊंगा ना, कम से कम एक बार इसको पढ़ लेना और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख यस लेना। सर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सर जो वो डाइपोल मोमेंट वाला था ना, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक आई, उसमें मेरे को समझ नहीं आया। एक बार ना आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं देख लेता हूँ। ओके सर। सर जो आपने क्वेश्चंस भेजे थे उसके भी आप एक बार रिवीजन करवाओगे ना? कौन से क्वेश्चन पूछे थे? सर जो आपने एक्सरसाइज का ए और बी भेजा था पार्ट करने के लिए। अच्छा तो आपका ग्रुप ए में भेजा था। यस सर, B03 में भेजा था आपने। अच्छा B03 कौन से ग्रुप में भेजा था, एक बार बताओ। हाँ सर दिल्ली वाले, ठीक मैं डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। है सर। रुक जाओ 1-2 मिनट और, आप लोग रुक जाओ
एक 2 मिनट और रुक जाओ, ठीक है? कुछ बच्चों को और आने देते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। तब तक आप लोग के क्वेश्चंस वगैरह जो भी डाउट वगैरह होंगे साइड आप लोग में कर लेना, ठीक है? आप आज लोग के जो स्टीरियो भी रिवाइज क्वेश्चंस करवाओगे होंगे, ना सर आप? रिवाइज तो नहीं कराऊंगा, हाँ मतलब वही समझ लो, देखो कल कहा था आपने, हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताऊंगा। ठीक है। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर मैंने शेयर कर दिया। ठीक है मैं देख रहा हूँ। एक बार बताओ क्या सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? नो सर, यस नो सर। सर। नहीं आया सर। कौन रो सर रहा है? सर नंदनी ऐसा क्यों? सर कोई नहीं रो रहा सर। नहीं रो रही है, फिर भी आप लोग सुला दो उसको। देखो सर नहीं सर, आपने राखी कितनी बंधवाई इस बार रक्षाबंधन पे? कितनी है सर? वो देख सर, एक बार दोबारा दिखाओ, देखने दो। सात, 6 या 7। सात सर, मेरा भी इतना ही है, 9 है मेरा। फिर मेरी कोई सिस्टर नहीं है कैसे, दूसरे सिस्टरों से? क्या? हाँ सही है सर, मेरे तो एक ही सिस्टर है, उससे भी बनवाता हूँ 5, मम्मी से और फिर बाकी सिस्टर से। सबसे बड़ा बताओ तो क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? देखो हाँ सर, यस सर। सबसे पहले ना हम स्टीरियो आइसोमर से बात करते हैं। किस किससे बात करते हैं हम लोग? स्टीरियो आइसोमर होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं आइसोमर होता क्या है, ठीक है? तो आइसोमर बच्चों मैं आपको बता दूं ना, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ? डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। कुछ कुछ चीजें मैं आपसे बता देता हूं, जैसे कि मान लो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, और दूसरा क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर होता है। जो स्ट्रक्चरल होते हैं ना, इसमें क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसमें कई टाइप के आइसोमर होता है, जैसे कि चैन आइसोमर हो गया, चैन आइसोमर हो गया, पोजीशन आइसोमर हो गया, तीसरा हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया। तो सबसे पहले मैं इसी का बताता हूं, चैन आइसोमर का। ध्यान से देखना, चैन आइसोमर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, CH3, जैसे कि मैं ऐसे बोल लेता हूं, हमारे पास C5H12 है। इसको देखो मैं कैसे लिखता हूं, इसको देखो मैं कैसे लिखता हूं, CH3 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 CH3। बताना जरा कितनी लंबी चैन है, 1 2 3, क्या 3 नंबर की चैन यस सर। चैन है यस क्या? सर, यस अब जरा सर। बताओ, CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे CH3, अब कितने नंबर की लंबी चैन है? सर फोर। ये बताओ क्या चैन में डिफरेंस आ रहा है क्या? लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है ना। सेम है, यस यस सर, सर। यस सर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चैन आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर। चैन आइसोमर। क्लियर है क्या बात है आप सबको? जी सर, यस सर। चैन आइसोमर क्लियर हो?
चेन आइसोमर। अब ध्यान से देखो, चेन आइसोमर फिनिश हो गया। अब बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। किसकी बात कर लेते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर CH2OH। बताना जरा यह क्या है, क्या एल्कोहल है, क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉल, एथेनॉल बोलते हैं। जरा इसको बताओ CH3O CH3, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? C2H6O, और नीचे वाले का C2H6O। क्या दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या? लेकिन डाइमेथिल ईथर है क्या? यह डाइमेथिल ईथर है क्या? यस सर। चेंज आपका फंक्शनल ग्रुप में आया ना, यहाँ पे OH है और यहाँ पे केवल O है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या आपने क्लास 11th में पढ़ रखा था? जी सर, पढ़ रखा था। एक होता है पोजीशन आइसोमर। क्या होता है? पोजीशन आइसोमर। सर इसमें भी फंक्शनल ही होता है, बस पोजीशन चेंज हो जाती है। देखो वही बात है, मतलब कि पोजीशन इसका क्या होता है? चेंज होता है। अब देखो ये पहला है या दूसरा है, पहले को वहीं पे छोड़ दो, दूसरे को क्या कर दो? पोजीशन इसका चेंज कर दो। क्लियर है? बोलो। यस सर। तो क्या हो गया? पोजीशन आइसोमर हो गया। CH3 CH 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 CH3। यहाँ पे मान लो क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, कुछ ऐसे है। अब क्या कर दो? कुछ ऐसे कर दो, एक क्लोरीन यहाँ कर दो CH2 CH, यहाँ कर दो और CH3। बताओ क्लोरीन का क्या पोजीशन चेंज हो गया क्या? यस सर। यस सर। अभी क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर होंगे। क्या किसी को तीनों में डाउट है तो बता दो एक बार आप लोग। नो सर, आ गए। फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन और क्या चीज था? चेन आइसोमर। इन तीनों में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है एक बार आप लोग बता दो, क्योंकि यह तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ध्यान से हमें क्या देखना है। अब इसके बाद आते हैं, हमारे पास दो चीज पढ़ना है, स्टीरियो आइसोमर। क्या पढ़ना है? स्टीरियो आइसोमर। इसमें भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा क्या होता है? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तीन चीजें पढ़ते हैं, सिस ट्रांस, दूसरा क्या पढ़ते हैं? ईजेड, ईजेड, और तीसरा सिन और एंटी। मैंने ये बताया था ना तीनों? यस सर, क्लास में मैंने बताया था। और ऑप्टिकल आइसोमर में क्या पढ़ेंगे? आर एस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, डीएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, यही दोनों पढ़ते हैं ना? जी सर। हाँ, इसी में हम लोग इनेंसियोमर देखेंगे, डाइस्टीरियोमर देखेंगे, मीजो कंपाउंड देखेंगे, सबके सब ऑप्टिकल आइसोमर में देखेंगे। देखो एक बार समरी मैंने बता दिया, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। नो सर, कोई डाउट नहीं है ना? कुछ क्वेश्चंस कर ले। यस सर। बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा? सर ऑप्शन वन, फर्स्ट वाला सीएल, क्योंकि वो सिस। ऑप्शन वन सर, ऑल ऑफ दीस। क्या सर ऑप्शन फोर? देखो आप लोग ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन में गलतियां कर रहे हो आप लोग। सर फर्स्ट होगा इसका, फर्स्ट। देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन ऊपर हो सकता है और हाइड्रोजन नीचे हो सकता है। यहाँ पे क्लोरीन ऊपर हो सकता है और हाइड्रोजन कहाँ हो सकता है? नीचे हो सकता है। तो बताओ क्या यह सिस होगा? क्या यस सर, सिस होगा। अगर वही मैं कुछ ऐसे कर दूं, एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे, अब बताओ अब क्या होगा? ट्रांस, ट्रांस होगा। यह सिस और ट्रांस दिखा रहे हैं? यस सर, दिखा रहे हैं। इसका देख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे है OH है, और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ का जो H है मैं कुछ ऐसे बना दे रहा हूं। अब ये बताओ क्या OH और H एक साइड है? यस सर। एक साइड होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सिन बोलते हैं।
और अपोजिट होता है तो क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं, एंटी। यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही पार्ट है ना? यस सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के तीन पार्ट होते हैं, सिस ट्रांस, ई जेड और सिन एंटी। तो पहला वाला तो सिस ट्रांस है, दूसरा क्या है, सिन एंटी है। तीसरा वाला बताओ क्या है, यह ई है या फिर जेड है? सर ई। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? देखो सिंपल सी बात है ना, जब ऐसे है ना तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। आप बताओ क्या दोनों सेम ग्रुप वाले, मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, वन टू वन टू, क्या दोनों सेम ग्रुप वाले अपोजिट साइड हैं क्या? यस सर। होते हैं तो क्या होते हैं बताओ जरा? ई होता है ना? ई होता है। तो आप बताओ कि पहले वाले में सिस ट्रांस हो गया, दूसरे वाले में क्या हो गया आपका, सीन एंटी हो गया, तीसरे वाले में ई जेड हो गया, तो सबके सब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा सर। क्लियर है बातें मेरी? यस सर। क्लियर। चलो इसका आंसर बता दो आप। ये मैंने आपको कराया भी था पीवाईक्यू में, मुझे याद है, मुझे अभी भी क्वेश्चन याद है, ये मैंने आप लोगों को कराया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। बताओ बताओ। अदर बच्चे, बाकी बच्चे, देखो सिंपल सा मैं इसका फोटो बनाता हूं सबको पहले। ऐसे हो गया, इसको इसने जेड बोल दिया, इसको इसने वाई बोल दिया, इसको इसने क्या बोल दिया, एक्स। सबसे पहले एक्स की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच होगा, इसमें देख लो यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे एच होगा, इसमें यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे एच होगा, क्या कुछ ऐसे ही होगा क्या? जी सर। अब ये बताओ एक्स वाले की बात कर लेते, क्या एच और एच सेम साइड है, क्या होगा? यस सर, सिस। सिस हो गया। वाई वाले में देख लेते हैं, क्या एच और एच एक साइड है? यस सर, सिस। क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। और जेड वाले में देख लो अपोजिट साइड है क्या? ट्रांस। 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 इसमें किसी को नहीं समझाया तो एक बार बता दो, पहला ऑप्शन सही है, करेक्ट है सबका आंसर। जिसको नहीं समझ आया एक बार आप लोग बता दो, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताओगे तो फिर मैं कैसे समझूंगा कि आप लोग को समझ आया कि नहीं आया। अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। पहला ऑप्शन इसका बताओ कि कौन ऐसा है जो ई है, ई आइसोमर है, ई आइसोमर कौन ऐसा है जो ई आइसोमर है? देखते हैं कितने लोगों ने रिवीजन किया है। देखो नंदिनी का आंसर आ गया, ऐसे आंख बंद करके आंसर नहीं चाहिए, आंख बंद करके आंसर नहीं चाहिए। न्यांसी का भी अलग आया है, अमित का अलग आया है, दीपांशी का अलग आया है, जतिन। सोच समझ के आप लोग अपना ना आंसर चेंज भी कर सकते हो अगर आपको लगे कि हाँ ये है तो। प्रगति, हाँ प्रगति क्या बोल रही हो आप?
अदर बच्चे देखो, मैं पहले वाले का एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एच बी आर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। अगर मैं नंबरिंग करूँ तो यह वन होगा या टू होगा, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करता हूँ, फिर यह वन होगा या टू होगा। आप बताओ वन और वन सेम साइड तो क्या होगा, जेड होगा। जेड दूसरा देखो, यस सर। सब आप लोग को याद है या फिर भूल गया? याद है सर, याद है। सी एस थ्री एच, सी एस थ्री एच, ये बताओ वन टू वन टू, क्या दोनों सेम साइड हो गए क्या? यस सर, जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तीसरा देखो सी टू एच फाइव एच, सी एस थ्री सी एच, सी एस थ्री पे ट्वाइस, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे। यस सर। सर आप ध्यान से देखोगे ना, यह होगा वन और यह होगा टू, यह होगा वन यह होगा टू, समझे क्या कैसे हुआ है? यस सर। यह भी क्या होगा, जेड जेड। फोर्थ वाला देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच होगा और यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे एच होगा और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस थ्री, क्या बातें क्लियर है मेरी? यस सर। अब ध्यान से देखो यह पहला होगा यह दूसरा होगा, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। ठीक है, क्योंकि जब भी एटॉमिक नंबर सेम आ जाए ना तो हम लोग एटॉमिक वेट को वैल्यू देते हैं, तो अगर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर तो दोनों में वन वन है लेकिन एटॉमिक वेट ड्यूटेरियम का दो होता है। इसमें देखो ऊपर जाएंगे तो कार्बन मिलेगा, कार्बन से डबल बॉन्ड क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, फिर हाइड्रोजन मिलेगा। नीचे आओगे तो कार्बन मिलेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो नीचे वाला पहला होगा ऊपर वाला दूसरा होगा। बताओ इस बार क्या सेम ग्रुप अपोजिट साइड है क्या? यस सर। हो जाएगा तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। समझ क्यों नहीं आ रहा है बोलो, इसमें भी इतनी गलतियां क्यों हो रही है, कितनी बार मैंने बताया इसको कितने अच्छे से, बहुत ही बारी बताया मैंने काफी अच्छे से, और आप लोग वो तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। चलो इसका आंसर बताओ, यह ए वाला कंपाउंड है और यह बी वाला कंपाउंड है, बताओ जरा इसका क्या आंसर होगा। क्या आंसर आएगा बताओ? सर ऑप्शन डी। सभी कोई बताओ, चैट बॉक्स में बताओ सभी को। हाँ प्रगति बताओ भाई क्या हो गया, हाथ की हैंड रेज बार बार क्यों कर रही हो, और भी किसी का आंसर बचा हुआ है? देखो पहली बात देख लो, अरे यार ए हो गया, बी वाला देख लो, यह बी हो गया। अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो यह पहला होगा या दूसरा होगा, यह पहला होगा या दूसरा होगा, तो पहला वाला हमारा क्या है, दोनों सेम साइड है सेम ग्रुप, जेड बोल देंगे इसको। यस सर। मैं देखो यह पहला है या दूसरा है, यह पहला है या दूसरा है, यह दोनों क्या है अपोजिट साइड है वन और वन, इसको क्या बोल देंगे, ई बोल देंगे। जेड और ई किस में आया है, फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। ये वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉजेस अ कायरल सेंटर,
सर पिछले वाले क्वेश्चन में सर दोबारा बता दो, इनमें से कौन ऐसा है जो कायरल सेंटर? सर हाँ जी, सर जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना अभी, वो एक बार दोबारा बता, देखो पीछे वाला क्वेश्चन यही है कि एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरी, देखो सेम कार्बन देखो और उसपे दो ग्रुप लगे हैं, एक फ्लोरीन लगा एक CH3 लगा है, तो आप बताओ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और कार्बन का 6 होता है, तो हम जिसका ज्यादा है उसको पहला ज्यादा पहला नंबर देंगे, जिसका कम है उसको दूसरा नंबर देंगे। ऐसे इसमें देखो नाइट्रोजन को फर्स्ट दे दिए और हाइड्रोजन को सेकंड दे दिए, अगर फर्स्ट फर्स्ट सेम साइड आ गया, देखो दोनों ऊपर आ गया ना, तो जेड हो जाएगा, अगर वही अपोजिट साइड आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आप लोग रिकॉर्डिंग्स वगैरह जाके देखना, आप लोग पढ़े नहीं हो सही से। चलो इसका आंसर बताओ जरा, किसमें ऐसा जो है जो कायरल कार्बन है? सर फर्स्ट कायरल सेंटर बोला है सर, फर्स्ट चैट फर्स्ट होगा सर, फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं होगा? सेकंड पे सर दोनों जो जो जिसे ऊपर वाला कार्बन है टॉप मोस्ट वाला, उससे सर दो कार्बन सेम हाइब्रिडाइजेशन का अटैच है उसमें, हाइब्रिडाइजेशन नहीं मतलब अलग अलग सेम कार्बन अटैच है। देखो पहली बात देखो, फर्स्ट वाले में अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यह वाला कार्बन क्या है कायरल है, यह वाला कार्बन क्या है कायरल है, क्योंकि चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, बताओ यह वाला भी कार्बन क्या है कायरल है, क्योंकि चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं ना। यस सर। यह वाला सेंटर कायरल सेंटर हो जाएगा पूरा, यह वाला भी सेंटर कायरल होगा, लेकिन कहां से प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें सीधा बीच से काटोगे तो बराबर बराबर ऐसे कट जाएगा, मैंने काटने का तरीका बताया था ना कैसे कटना है। यस सर। ऐसे कट करना है इसको ताकि ये दोनों में क्या हो जाए बराबर बराबर हिस्सों से बट जाए, जैसे कि मान लो हमारे फोन ऐसे है वो ऐसे, हम इसको ऐसे कट करेंगे ना तो ऐसे बराबर बराबर हिस्सों में कट जाएगा, तो आप बताओ जब बराबर बराबर हिस्सों में कट जाएगा तो कायरल सेंटर हुआ ही कहां? कायरल सेंटर के लिए POS और COS नहीं होना चाहिए ना। यस सर, वो एक होता है कायरल सेंटर, एक होता है कायरल कार्बन, वहां पे कार्बन तो कायरल है लेकिन जो पूरी सेंटर की बात कर रहा है वो कायरल नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। सेकंड वाले में कार्बन कायरल कहां पे सर, कायरल थोड़े ना। अरे यार ये कार्बन कायरल नहीं है, चारों अलग अलग ग्रुप है सर, अलग अलग कहां है सर? देखो यहां दो तो सेम हो जाएगा ना कार्बन, नीचे ऐसे वही तो बोलना कि POS आ जा रहा है ना इसमें, जब POS आ जाएगा ना तो ये सब कैंसल आउट हो जाएगा, तीसरे में भी सेम है कट करोगे क्या हो जाएगा कट जाएगा, फोर्थ वाले में भी सेम है कट करोगे क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्लियर है क्या बातें सबको? यस सर। तो पहला वाला इसमें क्या होगा ऑप्शन सही होगा। चलो इसका बताओ जरा क्या होगा, इसका कौन सा आंसर आएगा इसका? बताओ भाई, देखो अगर ध्यान से देखोगे ना तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, OH एक रिंग है और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड CH, CH OH C डबल OH, क्या यह वाला कार्बन कायरल है क्या? देखो जरा चार अलग अलग ग्रुप है, यह वाला कार्बन क्या कायरल है क्या जरा बताओ? Yes. जब कायरल कार्बन होगा तो क्या यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर होगा, क्या R और S कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे? Yes. बनेंगे। यहाँ पे बताओ
यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा क्या? यस सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होगा और ऑप्टिकल आइसोमर भी होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड वाला। क्लियर है बातें मेरी? क्लियर। जरा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन आर गिवन वेज डैश स्ट्रक्चर, इसका कौन सा प्रोजेक्शन चारों में से मैच करता है? कैसे करोगे इसको? क्या पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे? ये बताओ फोर्थ पोजीशन हमारा कहां पे होना चाहिए? बिलो द प्लेन होना चाहिए, बाकी सब तो सही है। नंबरिंग कर लो 1 2 3, अब 1 2 3 लेके जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है कि क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्या यह एस कॉन्फ़िगरेशन है? जरा बताओ एस कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें नीचे वाले में से चेक करना है कौन सा एस कॉन्फ़िगरेशन है। अब नीचे वाले में जब ये हमारे पास क्या बोलते हैं फीसर प्रोजेक्शन है, जो हमारे पास लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए? क्या वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए क्या? यस सर, वर्टिकल लाइन। यस सर, वर्टिकल पे। तीन तो वर्टिकल है मतलब तीसरा नहीं है। आओ देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो 1 2 3 करेंगे तो ये हमारा पहला वाला ही है, सारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं 1 2 3। दूसरा वाला क्या क्लॉकवाइज आ रहा है क्या? Yes, चौथा वाला चेक कर लेते हैं 1 2 3, क्या यह भी क्लॉकवाइज आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir, वाला ही सही होगा। ठीक है, थर्ड वाले को चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम दो बार चेंज करेंगे। अरे हम दो बार चेंज करते हैं ना जी सर। यस सर, वर्टिकल पे लाने के लिए। क्लियर है बातें? Yes, sir. अब देखो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3। 1 2 3 करोगे क्या आएगा बताओ? क्लॉकवाइज। तो अभी क्या होगा? आर होगा। आर। तो बस एक पहला ही पहला क्या है ऐसा है, वही हमारा क्या आंसर है, सही आंसर है। इसका बताओ जरा, यह कंपाउंड आर है या फिर ऐसा है? सर ई होगा ना, ई जेड तो होगा ही नहीं यार। ई जेड तो डबल बॉन्ड में होता है ना। अच्छा हाँ, सिंगल बॉन्ड है, सही कह रहे हो। कहाँ आप लोग कहाँ पहुंच गए? अरे फोर्थ पोजीशन वाला हमारा लास्ट पे है, नंबरिंग कर लेते हैं 1 1। इसको बोलेंगे 2 और 3। 1 2 3 कहाँ पे जा रहा है बताओ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होगा? आर होगा ना। आर। यस सर। मुझे तो नहीं लग रहा कोई टफ है। बताओ जरा चारों में से कौन सा सेम कॉन्फ़िगरेशन है? सेकंड एंड थर्ड। पहली बात है जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको हम बिलो द प्लेन लेके जाएंगे तब जाके आंसर आएगा। सर फर्स्ट एंड सेकंड। पहला वाला देख लो, ये एफ हो गया। मैंने आपको बताया था देखना कैसे है, यह ब्रोमीन हो गया और यह क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। अगर ध्यान से देखोगे 1 2 और 3, 1 2 3 किसमें जा रहा है बताओ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो पहला वाला क्या होगा? आर होगा। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? क्लोरीन है, कार्बन है, क्लोरीन है। यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे एच है। तो मैंने क्या बोला था, आप फोर्थ प्रायोरिटी जरा है ना उसके साइड से आप देखना स्टार्ट करो, ऐसे ही कुछ बोला था ना, इसके नीचे से देखना स्टार्ट करो, कुछ ऐसे ही बोला था ना, जो भी फोर्थ प्रायोरिटी होगा उसके नीचे से आप लोग देखना स्टार्ट करो। तो बताओ इसको आप फर्स्ट बोलोगे, इसको सेकेंड बोलोगे, इसको थर्ड बोलोगे? आप जरा बताना फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज। यह भी आ रही होगा। यस सर। आते हैं थर्ड वाले का, एच बी आर क्लोरीन और एफ। अब ध्यान से देखो, अब इधर से हम देखना स्टार्ट करेंगे। इधर से देखोगे तो इधर का चेक करो, यह बताओ ये पहला हो गया या दूसरा हो गया या तीसरा हो गया? तो पहला दूसरा तीसरा क्या लग रहा है आपको? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहाँ है? एंटी क्लॉकवाइज। अरे पहला
दूसरा फिर तीसरा यह एस होगा ना, और पूछा है कि दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन कौन है, तो केवल और केवल पहला और दूसरा वाला है ना। यस सर, यस सर, क्लियर नहीं हुआ सर, एक बार ये लास्ट वाला दोबारा बता दो। लास्ट वाला आप देखने का नजरिया देखो, देखने का नजरिया, कार्बन है, एच है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और यह क्या है, क्लोरीन, या फिर आप एच के साइड से देखो जो फोर्थ प्रायोरिटी है, या फिर इसको ऐसा घुमा दो कि एच नीचे चला जाए। तो मान लेते हैं कि इसको हमने रोटेट कर दिया, जब रोटेट किया तो एच को कहां चला गया, मैं एच नीचे चला गया, और जब एच नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन कुछ ऐसे आ जाएगा, yes, sir. क्लोरीन ऐसे आ जाएगा। एच को हमें नीचे भेज दिया, एच को हमने कहाँ भेज दिया, नीचे आ गया सर, आ गया। ये बताओ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना जी सर, इसको ऐसा yes. घुमाओ ना, देखो हम ना मान लो कि इसको हम नीचे से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, मतलब कि यह जो एच है ना उसके अपोजिट साइड से देख रहे हैं। जब अपोजिट साइड से देखेंगे तो यह फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। अब देखो कैसे रोटेट हो रहा है, मैंने मुझे लग रहा है कि जब मैंने क्लास पढ़ा रहा था ना तो आप लोग को विजुअलाइज करा रहा था, बताओ कैसे होगा ये, इसका बताओ कौन ऐसा कंपाउंड है जो इनेंसियोमर है। इनेंसियोमर का मैंने बताया था, पहली बात मिरर इमेज होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये दो कंडीशन होगा तो आपका इनेंसियोमर होगा। जरा बताना क्या पहला दूसरा मिरर इमेज है। यस सर, यस सर, पहला दूसरा मिरर इमेज है, क्या सुपर इम्पॉसिबल है, नो सर। तो यह वाला पहला वाला होगा, पहला वाला इनेंसियोमर होगा। दूसरा वाला बताओ क्या मिरर इमेज है, नहीं है, नो सर, इसका मिरर इमेज एच हो ही नहीं रहा, यह भी नहीं होगा। तीसरा चौथा भी मिरर इमेज नहीं है, नहीं है सर, नहीं, चौथा पांच ये मतलब ये सभी मिरर इमेज नहीं है, तो बस एक बस पहला वाला ही आंसर होगा, ठीक है। ये जरा बताओ, देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, अगर सब सेम आ जाए तो आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर किसी का मान लो आर एस आ गया और इसका एस आर आ गया तो यह इनेंसियोमर हो जाएगा, अगर दोनों कंपाउंड ही अलग है तो डाइस्टीरियोमर हो जाएंगे, अगर दोनों कंपाउंड ही अलग है तो क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर, डाइस्टीरियोमर हो जाएंगे। आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं, इसको आप पहला नंबर कार्बन मान लो, इसको आप दूसरा नंबर कार्बन मान लो, इसमें भी ये पहला मान लो, इसमें भी क्या मान लो, दूसरा मान लो। पहले नंबर कार्बन पे देखो कौन कौन सा है, एच है, आई है, और क्या है, क्लोरीन है। इसमें देखो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और CH3 है, और क्या है, CH3 है। इसके दूसरे वाले में देख लो आयोडीन है, एच है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। इसके दूसरे वाले में कौन है, ब्रोमीन, क्लोरीन, CH3 CH3 है, और क्या है, क्लोरीन। अब ये बताओ इसका यह ऊपर वाला जो है इसके नीचे वाले से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, और इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाले से मैच कर रहा है, बताना जरा दोनों कंपाउंड सेम है क्या। यस सर, यस सर, कहां से सेम है, स्ट्रक्चर अलग है ना, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट। मैं किसी कंपाउंड को अगर उल्टा कर दूं तो सेम हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, और क्लोरीन की जगह यहाँ पे एच है, यहाँ पे आई है, और यहाँ पे क्या है, आई की साइड क्या है, आई की साइड हमारा क्लोरीन है, और इसके साइड क्या है हमारा, CH3 क्या कुछ ऐसे है ना, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन,
ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन की जगह तो क्लोरीन है। अच्छा तो क्या कुछ ऐसे हैं बताओ, क्या मिरर इमेज सर? यस सर, हाँ लगभग लगभग ऐसे मिरर इमेज नहीं दिख रहे हैं। नहीं है सर, ब्रोमीन नहीं है। तो पहली बात इनेंसियमर तो नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर दूसरा होता है, आइडेंटिकल भी नहीं होगा। आइडेंटिकल होता तो दोनों सेम जैसे दिखते हैं, या क्या ही क्या होगा, सिंपल सा डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर ठीक है, यस सर। देखो रेसमिक मिक्सर आ जाता है, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेसमिक मिक्सर में क्या होता है, रेसमिक मिक्सर में जितना आर होता है उतना ही क्या होता है, एस होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सर। अगर मान लो जितना आर है उतना एस है और मुझे किसी एक को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? जब भी बात करते हैं एलेनिन की ना, या फिर हम इसकी बात करते हैं ना जिसमें नाइट्रोजन वगैरह कंपाउंड हो और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको पता है हम कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से हमें क्या देखना है, एक मिनट जो ध्यान से देखो, उसमें पता है क्या, ये जो ब्यूटेनॉल होता है ना, ब्यूटेनॉल, उसके उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, रेसमिक मिक्सर को अलग अलग कर पाते हैं। तो बस एक ब्यूटेनॉल ही है जो कि रेसमिक मिक्सर को अलग अलग करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा कोई दिया है क्या? यस सर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है सर, बता कैसे? क्लियर है? नहीं सर, अभी फिलहाल ना इसको आप लोग, ये एक टेक्निक है रेसमिक मिक्सर से। तो पता है क्या, जैसे मैंने एक बताया था, सिट्रिजिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीवोसिट्रिजिन और एक होता है डेक्स्ट्रोसिट्रिजिन। जो हमारे काम का आता है वो लीवोसिट्रिजिन आता है, और डेक्स्ट्रोसिट्रिजिन क्या होता है, जहर जैसे होता है। सिट्रिजिन अक्सर हम लोग सर्दी जुकाम वगैरह फिर एंटी एलर्जी का काम आता है। ये बताओ अगर दोनों एक ही डब्बे में मिल गया हो, अलग अलग करना हो, तो आप कैसे अलग करोगे, कोई ना कोई टेक्निक से अलग करोगे? तो ऐसे ही एलनिन हमारे पास रेसमिक मिक्सर है, आर भी होगा रेस वाला भी होगा, तो हमें अलग अलग करना है, तो कैसे अलग अलग करेंगे, ब्यूटेनॉल से करते हैं। क्लियर है? बताओ, याद कर लो इसको, ठीक है, याद कर लो आप लोग इसको। ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? थर्ड। बताओ बताओ सर, फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट एनटी है ना, तो फर्स्ट वाला ही होगा ना? यस सर, यस सर, एनटी है ना, आपको मैंने बताया। तो एनटी वाला क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मान लो रेसमिक मिक्सर है, तो आर जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाएगा, एस वाला क्या करेगा, उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन। ओवरऑल आंसर हमारा क्या आता है, 0 डिग्री घुमा। क्लियर है? मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, CH3 है, कार्बन कार्बन और CH3, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। अब ध्यान से बताओ कि बोल रहा है ना कि यह कंपाउंड है ना जो प्लेन पोलराइज लाइट को ना 50 डिग्री सेल्सियस क्या कर देता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा देता है। यह बताओ 50 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाने का क्या मतलब है, क्या यह रेसमिक, क्या बोलते हैं, आर या फिर एस होगा तभी तो घुमा रहा है ना, कायरल कंपाउंड होगा तभी तो घुमा रहा है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी तो घुमा रहा है, घुमा रहा है ना? यस सर, घुमा रहा है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर, क्लियर है। एक दूसरा कंपाउंड है, ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन और CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है H, यहाँ पे है क्लोरीन और यहाँ पे है H।
यहाँ पे क्या है क्लोरीन। अब पूछ रहा है कि यह वाला कंपाउंड कितना घुमाएगा सर, यह वाला अगर मतलब प्लस 50 घुमा दिया तो यह वाला कितना घुमाएगा। तो सबसे पहले कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन करने से पहले ना आप लोग चेक कर लेना कहीं अमीजो कंपाउंड तो नहीं है। अगर मीजो कंपाउंड होगा ना तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो घुमाएगा ही नहीं। यस सर, होगा ही नहीं, नहीं घुमाएगा ना। नो सर, नहीं घुमाएगा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, चेक कर लेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि नहीं। यस सर, कैसे चेक करेंगे, कोई मेथड आपको पता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का क्या कंडीशन है? एक कायरल या फिर सुपरइम्पोजिबल से? नहीं, पहली बात दो कार्बन कायरल होने चाहिए मिनिमम। तो यहाँ पे तो है, यह भी कायरल है और यह भी कायरल है, और इसमें POS होने चाहिए, बीच से आसानी से क्या हो जाए, कट हो जाए, कट हो जाए, सिमेट्री तो नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। तो आओ चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको और इसको आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। जब उसको और इसको आपस में इंटरचेंज करोगे, ध्यान से देखो, ये बताओ 90 डिग्री का इंटरचेंज कितनी बार किया जाता है? दो बार किया जाता है ना, दो बार। अब फिर इसको और इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, जब उसको और इसको इंटरचेंज करोगे तो बताओ, यहाँ पे तो क्लोरीन है ही, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। जरा बताना क्या बीच से कट जा रहा है क्या? यस सर, यस सर, कट जाएगा। तो क्या यह मीजो कंपाउंड होगा? और अरे भाई, मीजो कंपाउंड होगा, इसके दो कार्बन तो कायरल हैं, लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर सिमेट्री है, POS है, दिख रहा है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS है, जिसकी वजह से क्या होगा, यह इनएक्टिव हो जाएगा, और इनएक्टिव हो जाएगा तो घुमाएगा नहीं, 0 डिग्री घुमाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर, क्लियर है। यस सर, डाउट किसी को? नो सर, नो सर, डन सर। जरा बताना कि मान लो कि द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला 2-3 डाइमेथिल ब्यूटेन इस तरीके से दिया है, तो एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा? 2-3 डाइमेथिल ब्यूटेन, तो मैं सबसे पहले ब्यूटेन बना दे रहा हूं, सी सी टी सी, 1-2-3-4 2-3 डाइमेथिल दिया हुआ, तो CH3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, H H H H H H H। अब दूसरे और तीसरे को मैं क्या कर दे रहा हूँ, सेंटर मान दे रहा हूँ, दूसरे और तीसरे को क्या कर दे रहा हूँ, सेंटर। दूसरा कार्बन है, जस्ट इसके पीछे क्या होगा, तीसरा कार्बन होगा। अब ये जरा बताओ, दूसरे कार्बन से कौन कौन जुड़ा है? CH3 जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, और कौन जुड़ा है, H, यही लगे हुए हैं ना, बोलो, CH3 और क्या लगा हुआ है? अरे भाई, CH3 H लगा हुआ है ना, नहीं पता, चलो आओ आओ, मैं इसके फॉर्मूले से करता हूं। देखो, यह एक कार्बन है, जस्ट इसके पीछे क्या होगा, एक और कार्बन होगा, बोलो। यस सर, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है जरा बताओ, एक्स जुड़ा हुआ है, एच जुड़ा हुआ है, और एच जुड़ा हुआ है, ये क्लियर है? यस सर। नीचे वाले कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, वाई एच और सी एच थ्री, वाई और एच, एच जुड़ा हुआ है। अब हमें ना यह वाला फॉर्मूला लाना है, अब सोचो कैसे लाएंगे, सोचो कैसे लाएंगे। पहली बात तो यह क्या दिया हुआ, ब्यूटेन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ब्यूटेन दिया हुआ, ब्यूटेन के लिए चार कार्बन फिक्स होता है, देखो 1-2-3-4, तो क्या CH3 को मैं CH3 मान लूं, X को CH3 मान लूं? Yes, sir. मान लूं CH3 X को? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरे पोजीशन पे क्या बोल रहा है होना चाहिए, मैंने नंबरिंग उल्टा कर दिया, मैं नंबरिंग इधर से कर लेता हूँ, 1-2-3-4। अब देखो कि दूसरे पोजीशन पे मेथिल होना चाहिए, क्या दूसरे पोजीशन पे मैंने वाई को क्या मान लिया, वाई को,
CH3 मान लिया, क्या दूसरे पोजीशन पे मेथिल आपको दिख रहा है क्या? बताओ बताओ। अरे दूसरे पोजीशन पे क्या मिल गया हमें? मिथाइल। मिथाइल मिल गया। दूसरे पोजीशन पे क्या मिल गया? मिथाइल। मैंने वाई को क्या मान लिया बताओ? सी एस थ्री मान लिया, ठीक है। अब एक्स को क्या मानूंगा बताओ जरा? एक्स को क्या मानूंगा? पहला दूसरा कार्बन हो गया, देखो पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया, मतलब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, बचा है मेरा यहाँ तक। सर C2H5। C2H5 मानेंगे। अरे C2H5 मानेंगे तभी तो होगा ना। यस कर लेना आप लोग, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ये बताओ कि द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, कर लोगे आप लोग? ये मैंने बताया ना इस टाइप का क्वेश्चन आपको। अरे यहाँ पे आप लोग चेक नहीं कर लोगे, हमें हाइड्रोजन को कहाँ पे लाना पड़ेगा? वर्टिकल पे लाना पड़ेगा। यस सर। वर्टिकल पे लाके ही नहीं करते हैं, आर एस निकालते हैं। नहीं कर पाओगे क्या आप लोग? देखो मैं करके बता दे रहा हूँ, आप सबसे पहले क्लोरीन और सी एस थ्री को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे सी एस थ्री आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा। फिर अब क्या कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। जब उन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा? सी एस थ्री एच और सी एल, और नीचे आपका कुछ ऐसे है ही पहले से, ऐसे ही है ना। अब ध्यान से देखो, आप इसको पहला बोलोगे, नीचे वाले को दूसरा, और इसको तीसरा। पहला दूसरा तीसरा जाओगे, एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, क्या होगा? एस हो जाएगा। यस सर। अब नीचे वाले को इंटरचेंज करते हैं, इसको इससे इंटरचेंज कर देते हैं और इसको इससे इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, और यहाँ पे सी टू एच फाइव आ जाएगा। बोलो जरा। यस सर। चेंज करोगे तो हो जाएगा। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसको पहला बोल दिया, इसको ऊपर वाले को दूसरा बोल दिया, इसको तीसरा बोल दिया। अब क्या रहा है? बी बी एस आ रहा है, तो एस और एस हो जाएगा। कोई है क्या? ऑप्शन बी। क्लियर है मेरी बातें? जी सर। यस सर। जरा बताओ इसको। कौन ऐसा जो है जो R रिप्रेजेंट करता है, जो R होगा? सबसे पहली बात है, हम H को कहां लेके जाएंगे बताओ जरा? वर्टिकल पोजीशन पे। वर्टिकल पे लेके जाना, और वर्टिकल पे लेके जाना, उसके बाद आप लोग क्या कर लेना? नंबरिंग। नंबरिंग देखो, इससे इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इससे इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे C2H5 आ जाएगा, यहाँ पे सी एस थ्री आ जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। 1, 2, 3 and 4। 1, 2, 3 जाओगे तो पहला ही वाला ही एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसा आएगा। इसमें 1, 2, 3, इसमें क्या आएगा? इसमें ही आर आ रहा है, यही वाला क्या होगा? क्लियर होगा। 1, 2, 3 यह वाला भी देखो, यह यहाँ पे वर्टिकल पैनल, इसको चेंज करना पड़ेगा। यह हॉरिजॉन्टल पैनल 1, 2, 3, यह वाला क्या आ रहा है? एस आ रहा है, इसको चेंज कर लेना। हमारे पास दूसरा वाला ऑप्शन ही सही होगा। क्लियर है मेरी बातें? जी सर। ये बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई भी डाउट है यहाँ तक कुछ भी? अब और भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? तो आप लोग को ना, यस सर, देखो ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है CH3 H, यहाँ पे दिया हुआ है CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ध्यान से देखना, यह तीसरा नंबर कार्बन है, जस्ट इसके पीछे वाला दूसरा नंबर कार्बन है। बोल रहा है कि यह जो दूसरा नंबर कार्बन है ना, उसको 120 डिग्री घुमा दिया। आप बताओ, ऑलरेडी 60 डिग्री पर है, ऑलरेडी 60 डिग्री पर है ना, 120 डिग्री बना दिया। Yes, तो बताओ कौन सा वाला आएगा, क्या नाम का आएगा?
क्या नाम होगा अगर 160 डिग्री घुमा दिया तो? सर 180 पे हो जाएगा ना फिर वो? हाँ 180 पे हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, एंटी गॉच फुल्ली इक्लिप्स्ड और यह पार्सी रख लीजिए। सर फुल्ली इक्लिप्स्ड? अरे भाई 180 मान लो 60 पे है, घुमाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा तो एंटी हो जाएगा ना। अच्छा यस सर। नहीं समझ आया? आगे सर। या फिर आप क्लॉकवाइज घुमा दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एंटी होगा, लेकिन वही इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तब क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 60 यहाँ तक आएगा, फिर 60 यहाँ तक आ जाएगा, सेम चीजें यहाँ पे आ जाएगी क्या? अब बताओ, अब यह वाला पोजिशन कौन सा पोजिशन होता है? क्या यह भी पोजिशन गाज पोजिशन होता है क्या? अरे यह वाला पोजिशन गाज पोजिशन होता है ना? यस सर। तो अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए बोल दे तो क्या आंसर आएगा? गॉच आएगा, समझे क्या? तो किसी तरीके से वो क्लॉकवाइज भी पूछ सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जी सर। यस क्लियर है बातें? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस काफी अच्छे से पढ़ लेना, बिना प्रैक्टिस किए मत जाना आप लोग। आप लोग के पास 2 दिन टाइम है, ठीक है? तो टेस्ट तो ऑनलाइन होगा ना? हाँ, मेजर टेस्ट ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा? दोनों सर पता नहीं अभी। जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑफलाइन, दिल्ली वालों के लिए क्या होगा? ऑफलाइन सर, पिछली बार तो दोनों था, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप लोग ऑफलाइन लेना, ऑफलाइन का एक्सपीरियंस लेना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यस सर, हम ऑफलाइन ही गए थे। उससे ना आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा, और ये थोड़ी ना कोई आपसे कुछ चार्ज कर रहा है, बस आप लोग को जाने आने का किराया ही तो लग रहा होगा। यस सर। उतना उतना तो आप लोग कर ही सकते हो। यस सर। ये पूछ रहा है कि इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ऐसे ऑप्शंस आपको दे देंगे। यह बोल देगा कि यह दोनों एक दूसरे को इंटरेक्शन करते हैं, और यह भी बोल देगा कि यह दोनों प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। बताओ जरा सही है कि नहीं? क्या यह प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं? जरा बताओ कैसे चेक करेंगे? पहली बात, क्या कायरल कार्बन है क्या इसमें, ये बताओ। यह भी कार्बन कायरल है, यह भी कायरल है, यह भी कायरल है, यह भी कायरल है, यह भी कायरल है। क्या इसमें कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है जहां से कटने फिटने का चांस हो, POS या फिर COS? नो सर। कहीं से दिख रहा है? बताओ बताओ। नहीं दिख रहा है। नो सर। दूसरे वाले में बताओ, कायरल कार्बन तो दिख रहा है, क्या कहीं से POS COS दिख रहा है? नहीं सर, इसमें भी नहीं दिख रहा। एक मिनट, देखो इसमें भी पता है क्या होगा,
इसमें भी कहीं पीओएस यूएस नहीं है ना, तो यह भी क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा। प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देगा, यह रोटेट कर देगा। क्या बात है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। और भी देख लो, और भी देख लो, जैसे कि मान लो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, किसी सेंटर पे दो अलग अलग ग्रुप, कोई सेंटर पे चार अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मान लो कोई दो ग्रुप सेम हो जाए तो इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाएगा। यस, ये भी आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है? ये सब आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना है। क्लियर है बातें? यस सर, यस सर। सर ये पहले भी पढ़ाया था ना आपने, ऐसा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? ये सब मैंने बता दिया है आप लोगों को, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं। पहला ऑप्शन देखो, इसमें कुछ भी ऑप्शन आ सकता है। इसमें यह बोल सकता है कि जो हमारे पास है ऑप्टिकली एक्टिव है, ये बताओ क्या यह ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, देखिए सोच के बताओ। अरे ऑप्टिकली एक्टिव है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कायरल है, यहाँ पे कार्बन है, वो कायरल कार्बन है ना। क्यों नहीं समझ आ रहा आप लोग को? सर दोबारा बता देना कैसे। अरे यहाँ पे यह वाला कार्बन कायरल कार्बन है ना, कायरल कार्बन होता है तो वह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है ना। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कार्बन कायरल सेंटर होना चाहिए और उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सिमेट्री आ गया तो वह क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। डन? यस सर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें और भी कुछ चीजें हैं। ये हो गया, ये बस यही पूछ रहा था ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर। अब ये बताओ ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसके कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे, 2 पे पावर n, ये आपने पढ़ा है। यस सर। पावर 1 हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, r एंड s हो जाएगा, ठीक है? अब देखो मैं कुछ ध्यान से देखो। सर उसमें n क्या था, मैं भूल गया। अरे n नंबर ऑफ स्टीरियोगेनिक सेंटर। अच्छा, यह जो कितने कायरल कार्बन है वही होता है n, ठीक है? अब देखो मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। CH3 और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, ब्रोमीन लगा दे रहा हूँ। जरा बताना इसका क्या नाम है, पहली बात यह तो प्रोपेन है, यह प्रोपेन है सर, आइसो कार्बन है तो प्रोपेन है। अगर इसके बीच से कुछ भी जुड़ा तो आइसो, आइसो क्या बोलते हैं, आइसो प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं सर, आइसो प्रोपाइल ना, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड नाम हो जाएगा, ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर। अगर मान लो कुछ ऐसा हो तो इसका क्या नाम होगा, जरा बताना। सर 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सर 2 आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन। चैट बॉक्स में बताओ सभी को, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में सभी को ही बताओ। यह आपका पता है क्या, ये बताओ क्या सेकेंड डिग्री कार्बन पे ब्रोमीन है क्या, ब्रोमाइड 2 डिग्री कार्बन पर है क्या? यह ऐसा कार्बन है जिस कार्बन से क्या है, दो अलग अलग कार्बन जुड़े हुए थे, क्या ये 2 डिग्री कार्बन है क्या, जरा बताओ। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। क्लियर है? क्या बोल सकते हैं बताओ, सेकेंडरी ब्रोमाइड।
क्या बोल सकते हैं इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। और एक और ऑप्शन देख लो हमारे पास, मान लो कि कुछ ऐसे है CH3, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। बोलते हैं तो तीन कार्बन की चेन मानी जाएगी और एक ब्रांच मानी जाएगी। वो आईपीएससी नेम और ये जनरल नेम मैं बता रहा हूँ। आईपीएससी नेम और जनरल नेम क्या होता है, अलग 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 होते हैं। ओके सर। ओके सर, एक जनरल में मैंने पढ़ा था कि अगर तीन है और उसके बीच में कोई एक्स लगाओ हेलोजन तो आइसो पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसमें चार है तो फिर चार में भी आइसो का वो आएगा। देखो एक होता है तीन, इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, आइसो प्रोपाइल। हाँ इसी की बात कर रहा हूँ, आइसो प्रोपाइल बोल सकते हो, लेकिन आपका पता है क्या, यह तीन तो है ही और एक चौथा कार्बन आ गया, इसको आइसो ब्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है सर, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया था। ये बताओ कौन सा चारों में से कायरल है? सर सेकंड वाला। देखो क्या पहला वाला कायरल होगा क्या? अरे यह भी ग्रुप सेम है, यह भी ग्रुप सेम है, कायरल तो होगा ही। ये वाला कायरल होगा क्या? यह भी CH3 है, यह भी CH3 है, नहीं होगा। चौथा वाला भी देखो, यह भी नहीं है, केवल और केवल कौन होगा, बी वाला। सेकंड। क्या बातें मेरी क्लियर है? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। सर एक बी वाले में CH3 जो है उसके अपोजिट साइड भी तो CH3 है ना एंड में? बी वाले में? अरे CH2 है भाई, CH2 उसके बाजू में। अरे तो हम इस कार्बन से देखेंगे ना, अलग अलग ग्रुप जुड़ा है। अच्छा हाँ, हो गया, क्लियर हो गया ना, टोटल है। ठीक है, यस सर, बस उससे अटैच होना चाहिए सेंटर वाले कार्बन से। बिल्कुल। अब ये बताओ टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है? सर सुना है टार्टरिक एसिड, सर COX, सर तीन बार COX होता है तीन कार्बन के साथ, कुछ ऐसे होता है। समझे क्या, यह क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। जरा बताना क्या यह ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है? सर इनएक्टिव। सर इनएक्टिव होगा। क्या यह मीजो कंपाउंड है या फिर नॉर्मल है? मीजो सर। मीजो क्योंकि जाहिर सी बात है बीच से POS है और आपके दो कायरल सेंटर है। ठीक है, मीजो कंपाउंड है और क्या है, दो कायरल सेंटर, एक कायरल। रीजन क्या है जरा बता सकते हो आप लोग? क्या सर रीजन क्या है, क्योंकि इसमें सिमेट्री पाया जाता है। हाँ यह बेंजीन है, मान लो कि यहाँ पे क्लोरीन बना लिया, यहाँ पे क्लोरीन बना लिया, तो इसको बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलेंगे? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर एक और क्लोरीन बना लिया तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, अगर केवल एक ही क्लोरीन होता तो मोनो। जरा बताना इससे कितने आइसोमर बना सकते हैं? 1, 2 हो गया। हम एक किसी एक क्लोरीन को क्या कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। हम क्लोरीन यहाँ पे भी तो रख सकते थे ना। हाँ सर, 5 बार सर, हम चाहे तो सेकंड वाले को भी फिक्स करके फर्स्ट वाले को भी रोटेट कर सकते हैं, राइट? अरे किस रोटेट नहीं कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं पोजीशन सर। 5। हाँ सर, 5 times हो जाएगा। अब जरा बताओ इसके अलावा कहीं कर सकते हैं क्या? अगर मान लो यहाँ पे नो सर, रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा ना फिर। yes, तो केवल और केवल कितने हम बना सकते हैं? तीन ही बना सकते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? यस सर। कभी कभी आपसे लेटर वगैरह का भी पूछ देता है, ध्यान से देखना कौन कौन सा लेटर पूछ सकता है, P F A B, इस टाइप का पूछ सकता है। अब पूछेगा इन चारों में से एक आयरल कौन है,
तो ए कायरल का क्या मतलब है, जो कायरल ना हो, बोलो। ए कायरल का मतलब जो कायरल ना हो, और कायरल में क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात है कि सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जरा बताना किसमें सिमेट्री है, काट दो बीच से इसको, दिख रहा है क्या सिमेट्री? काट दो इसको यहाँ से, सिमेट्री दिख रहा है क्या सर? पी और एफ नहीं होगा, पी और एफ में सिमेट्री नहीं होगा। क्लियर है मेरी बातें? तो कायरल है, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ जरा एक बार यहाँ पे आप लोग, किसी को किसी भी टाइप का डाउट है? नो नो सर, कोई डाउट नहीं है ना? सर जो मैंने आपको भेजा था वो एक बार बता दो। एक मिनट, एक बार जरा फिर से मैसेज करना। अच्छा दीपांशी आप बोल रहे ना? यस सर। सर रीसेंड करूं? नहीं मैंने मिल गया मुझे। ये वाला क्वेश्चन है ना? यस सर। सर ये रूल है, हाँ सर यही। इसमें पता है क्या, मान लो कि कार्बन डबल बॉन्ड वाई है, ठीक है? तो अगर पता है क्या, इसको अगर एक बॉन्ड कट करेंगे ना तो इस कार्बन से क्या जुड़ा है, वाई जुड़ा हुआ है। यस सर। और इस वाई से क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन लिख देंगे। नहीं समझे? यस सर। मान लो सी ट्रिपल बॉन्ड क्या है, नाइट्रोजन है। एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन पे से किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा है। नाइट्रोजन कार्बन से, कार्बन से। अगर दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे तो फिर से यहाँ पे एक नाइट्रोजन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन। हम मैक्सिमम दो ही बॉन्ड तोड़ सकते, कम से कम एक बॉन्ड तो रहने ही देंगे वहां पे। यस सर। ठीक है, और भी किसी का कुछ डाउट था? बताओ आप लोग। नो सर। एक मिनट मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखता हूँ। एक मिनट आप लोग रुक जाओ। दिख रहा है आप लोग को? नो सर। नो सर। नो सर। स्क्रीन हट गई है सर। अब बताओ दिख रहा है? यस सर। यस सर। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर रखे थे, ये सेक्शन ए कर लेना पूरा अच्छे से। जी सर कर लिया। ओके सर। क्वेश्चंस मैच करेंगे आपको, सब मैंने यहीं से क्वेश्चंस टच किए थे, कर लेना ये सब, ठीक है? ओके सर। सेक्शन सी भी कर लेना, कीजिए। सेक्शन सी के भी कर लेना, कम से कम एक एक बार जरूर देख लेना, पेपर सब मैक्सिमम मैच करेगा यहाँ से। सेक्शन डी का भी देख लेना आप लोग, ये भी देख लेना। पीओएस सीओएस, पीओएस का क्या मतलब होता है बताओ? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सीओएस का क्या मतलब होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये भी आप लोग देख लेना। इनेंसियोमर, डाइस्टीरियोमर, मीजो कंपाउंड, यह भी देख लेना आप लोग।
इसमें क्या है, इससे क्वेश्चन कम आता है। इसमें पता है किससे क्वेश्चन आता है, रेशमिक मिक्सर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन कम आता है। बाकी कंफर्मर्स और रोटेशन ये तो मैंने आपको बताया ही, ये सब तो बता ही दिया हूं, ये सब मैंने आपको बताया है, क्लियर है, कर लोगे। काउंटिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर यह थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आप लोग इसका काउंटिंग काफी अच्छे से करना कि स्टीरियो आइसोमर का काउंटिंग कैसे करते हैं। सीधी सी बात, फॉर्मूला क्या होता है, 2n अगर कोई भी सिमेट्री ना हो तो, ठीक है, ये मैंने आप लोग को फॉर्मूला आप लोग को बता रखा था, ये सब आप लोग कर लेना, ये भी आप लोग कर लेना। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना। यह भी आप लोग कर लेना, ठीक है, ये सब का सब आप लोग ना देख लेना है एक बार, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है बातें मेरी। इसका आंसर देखो कितना आएगा, एक बार इसका आंसर देख के बताना कोई मुझे कितना आएगा। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज टू का 17, इसका आंसर 8 आएगा, ठीक है, यस सर 8 है, क्लियर है, आप लोग देख लेना यार, देख लेना ये सब का सब आप लोग क्या करना, देख लेना आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ये देख लेना आप लोग, यह वाला तो मैंने आपको बताया ही, या एडवांस के लिए तो एडवांस वाला तो मत ही देखना आप लोग, फिलहाल जितना मेंस लेवल तक है पूरा देख लेना आप लोग। सर जो एडवांस होता है वो मेंस के कितने टाइम बाद होता है? एडवांस पता है क्या, मैं बताता हूँ कब देखना आप लोग का, जब दिसंबर तक पूरा फाइनल हो जाएगा ना, सुन रहे हो आप लोग, दिसंबर तक पूरा कोर्स फाइनल हो जाएगा ना, जब आप लोग जनवरी का अटेम्प्ट दे लेना ना, तब आप लोग एडवांस का करना, ठीक है, उसके बाद जनवरी का अटेम्प्ट देने के बाद, अभी ज्यादा माइंड मत सोच करना इधर उधर, क्योंकि जनवरी के बाद हमारे पास ना 4 महीने का टाइम बचेगा, और उसमें केवल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एडवांस लेवल का। पहले मेंस में अच्छा स्कोर लेना है हमें, और अच्छे स्कोर के बाद हमें एडवांस की तरफ जाना, ठीक है, यस सर। जब हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच जाएगा 3 महीने का ना, तो उसमें हमारे एक बार क्लियर हो जाएगा तो एक माइंड तो सेट हो जाएगा ना कि हाँ हमारा क्लियर हो गया है, उसके बाद बैकअप का सोचना ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. एक बार पहले अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद पूरा फुल टाइम मिलेगा, एडवांस ही किया जाएगा, क्लियर है मेरी बात? यस सर, यस सर, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग सर, ओके बाय सर, बाय सर।